मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग को गोरखपुर में फॉरेस्ट्री महाविद्यालय बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां वन संबंधी अध्ययन के लिए डिग्री और डिप्लोमा कोर्स चलाए जाएं। इससे वन विभाग की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पदों पर युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। साथ ही ये फॉरेस्ट्री और वन संरक्षण को विकसित करने का भी बड़ा माध्यम बनेगा। सीएम योगी शुक्रवार को दुनिया के पहले जटायु राज गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करने के बाद मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस केंद्र के निर्माण में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब प्रकृति और पर्यावरण को बचाकर विकास किया जाएगा, तभी वो सतत विकास होगा। इसके लाभ लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रकृति और पर्यावरण की कीमत पर विकास अल्पकालिक और खतरनाक है, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। और रामायण काल का तो पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु है, और जटायु यानी आज का गिद्ध जो वर्तमान पीढ़ी है जटायु की, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि तेजी के साथ जो दवा का पेस्टिसाइड का उपयोग करना प्रारंभ किया, उसका दुष्प्रभाव उनके स्वयं की प्रजाति पर पड़ा और उनकी संख्या तेजी के साथ घटती हुई दिखाई दी। उसको बचाने के लिए आज यह संरक्षण केंद्र, पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का भी, भारत का भी और दुनिया का भी पहला जटायु संरक्षण केंद्र आपके कैंपियरगंज में प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी कैंपियरगंज और फरिंदा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं।